नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं अपनी वीडियो बना रहा था। जैसे मेरी वीडियो पूरी हुई, उसके बाद मेरे पास एक कॉल आती है जिसने मेरी वीडियो देखी है और वो ये कहते हैं, बंसल जी, हम एक लगभग 100 गज़ का मकान खरीद रहे हैं, क्या हमें वो मकान, वो घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारी गलतियां हैं। तो मैंने पूछा कि क्या क्या गलतियां हैं, तो उन्होंने बताया कि उस घर में जो किचन बनी हुई है वो नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है, टॉयलेट जो बनी हुई है वो साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है, स्टेयर्स साउथ वेस्ट में बनी हुई है और आगे जो बिल्डिंग है वेस्ट फेसिंग है। आगे इन्होंने ओपन एरिया छोड़ा हुआ है। साउथ वेस्ट में उन्होंने लॉन बनाया हुआ है और नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल का गेट है और उसके ठीक सामने पार्किंग बनाई हुई है। मैं आप एक काम कीजिएगा, आपको ये घर लेना, पहले तो ये देखिए जिससे आप ये घर परचेज करने का विचार कर रहे हैं उनके हालात कैसे हैं। इतनी बात कहते ही वो बोले, बंसल जी, ये मकान तो ऑक्शन में मिल रहा है, उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है जिनकी ये जगह है, बैंक किसको ऑक्शन में निकाल रहा है। मैं जी मैम, अब आप देख लीजिएगा क्या आपको ये जगह परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाती है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाती है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नॉर्थ ईस्ट में किचन आने का मतलब है कि पैसे का नुकसान होना, बेवजह के झगड़े होना, हेल्थ इश्यूज़ बनना, और साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाती है तो हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ पैसे का भी लॉस होता है। और जैसे ही नॉर्थ वेस्ट का लेवल नीचा हो जाता है और साउथ वेस्ट ओपन हो जाता है तो उसके कारण भी उस घर में बरकत नहीं होती। यदि आप भी ऐसी कोई जगह खरीदने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसी जगह खरीदने से पहले आप उसके बारे में अच्छे तरीके से विचार करें, उसको देखें जिसकी वो प्रॉपर्टी, उसके हालात कैसे हैं। हालात नाजुक हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार वो जगह ठीक नहीं है और आप उसे ठीक नहीं कर सकते, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसी जगह को ना खरीदें। कई बार कुछ जगह ऐसी इतनी सस्ती भी आ जाती है कि हम इस जगह को ले लेंगे और तोड़ फोड़ करके इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जगह ले तो लेते हैं और व्यक्ति इतना बिजी होता चला जाता है कि वो काम जो वास्तुशास्त्र के अनुसार वहाँ पर करने होते हैं वो काम नहीं हो पाते। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।